प्रसाद वितरण कर रहे हैं सभी। झांकी निकाली जा रही है साईं बाबा की यात्रा का। साई बाबा की पालकी बहुत कई वर्ष बाद निकली है, बहुत अच्छी निकल रही है। अच्छा, कहते हैं कि साई बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा से ऐसी प्रार्थना है, शहर में अमन चैन रहे और सबकी मनोकामना पूरी है। कह रहे हैं कि बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज बाबा की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज बाबा की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, हमारे संरक्षण में निकाली जा रही है और बहुत अच्छी देखभाल चल रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। कहते हैं कि बाबा सभी की शोभा मनोकामना सभी बाबा सभी के बाबा की सभी के निकलेंगे। क्या कहेंगे सर, मंत्रों से निकाली जाती है शोभा यात्रा, क्या कहेंगे सर? बाबा की 16वीं पाल की यात्रा है और बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है, बड़ा उल्लास से। हमें हम 3 साल नहीं निकाल पाए कोरोना में, अब की बार बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है और बाबा ने मौसम भी कितना साफ रखा है, बाबा की पूरी कृपा। बता रहे हैं कि निरंतर हमने 3 साल तक कोरोना की वजह से नहीं निकाली थी, लेकिन इस बार जो हम शोभा यात्रा बड़ी बढ़ चढ़ कर निकाल रहे हैं और सभी बड़े दूर दराज से लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस शोभा यात्रा निकाली जा रही है? बाबा कहने बाबा मनो की सभी की मनोकामनाएं। हाँ, पूर्ण बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते और हम देख रहे हैं कि सभी आस्था का महाकुंभ है इस समय। बाबा की इसमें मैं देख रहा हूँ कि शोभा यात्रा है, सभी अपने कांधों पर लेके महा मंदिर तक जाएंगे। हाँ, बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, सब मंदिर तक जाएंगे बाबा की पालकी लेकर। बाबा सभी ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म होगी? ये कृष्ण जी के मंदिर से शुरू हुई है लाल कुआ से और साईं मंदिर में जाके समापन होगा आहार बाईपास पर। बता रहे हैं कि लाल कुआ मंदिर से शुरुआत और अब साईं बाबा मंदिर आहार बाईपास पर जाकर समापन। मेरे साथ हैं वाशरा महिला उत्थान समिति की अध्यक्ष मोनिका वाशने जी, जो कि बाबा की शोभा यात्रा में आए हुए हैं। क्या कहेंगे इस, क्योंकि हम देख रहे हैं आस्था का महाकुंभ है और आप भी, आपकी समिति भी इसमें साथ है। मैं निरंतर देख रहा था कि आपकी समिति जहाँ से शोभा यात्रा शुरू हुई थी निरंतर वहाँ से आ रही थी। सभी समिति के सभी सदस्य मेरे मौजूद रहे हैं और अच्छा लगता है क्योंकि कोई शहर में हमारे कोई सांस्कृतिक कोई प्रोग्राम होता है भगवान का वगैरह किसी में, तो शामिल होने के लिए हमारी समिति अग्रसर रहती है हमेशा और कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए सब इच्छुक रहते हैं कि हाँ हम अपने बढ़ चढ़ के कुछ भाग ले सकें हम। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि आस्था का यहाँ महाकुंभ देखा जा रहा था, सब लोग बाबा के जयकारे लगा रहे थे और कह रहे थे, कहते हैं पर बाबा सभी की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। हाँ जी, आस्था में ही विश्वास में ही भगवान है। जब हम लोग आस्था रखते हैं तो हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और हर साल साईं बाबा की पालकी निकलती है गुरुपूर्णिमा वाले दिन। और आज के दिन हम लोग सब लोग सही मतलब सहयोग के साथ ही एक साथ निकलते हैं शोभा यात्रा में और उनकी पालकी शीशा वाले मंदिर से होकर और यहाँ साईं मंदिर तक आती है। सब लोग भक्त सारे मिलकर जयकारे लगाते हुए यहाँ तक उनके प्रस्थान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हम देखते हैं कि आपकी जो उत्थान समिति का जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, इस पर क्या कहेंगे? और आज हमें मौजूद और खाटू श्याम जी की जय, साईनाथ महाराज की जय। और बहुत खुशी होती है कि हमने पहला पर्व दशहरे वाले दिन से यहीं से शुरुआत की थी, तो जब भी यहाँ के लिए कुछ भी करने का मौका मिलता है तो बहुत ज़्यादा मन खुश होता है। आज भी बाबा की पालकी में शामिल हुए हैं, थोड़ा सा भंडारे का भी आयोजन किया है हम लोगों ने, हमारी पूरी समिति की बहनें मिलके हम भंडारा भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत खुशी का मौका है और खुश भी लग रहे हैं सारे। हैं कि आस्था का जब महाकुंभ होता है तो महिलाएं बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और उत्थान समिति को हम निरंतर देखते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं। और आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहते हैं उन माता बहनों से जब भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं लेकिन आस्था रखते हैं अपने मन में? क्या बोलूँ, मेरी तो पहले मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ पर एक आस्था थी तो मैं यहाँ तक आई हूँ और आगे मैं
इसी सबके साथ ही सहयोग से मैं यहाँ पर जो भी होगा मैं यहाँ पर करा करूँगी, बस यही है। बता रहे कि निरंतर हम बताने कि हम अभी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं समिति से और निरंतर जो हमारे कार्य होंगे उस समिति के साथ होंगे और जो हमारा आज कार्यक्रम रहा है वे शुरुआत हमारी वाषण उत्थान समिति की यहीं से शुरुआत हुई थी और हम आज यहीं मिले हैं सब लोग और को मिलेगा। बड़ा उत्साह है देखने को मिल रहा है वाषण उत्थान समिति में क्योंकि शुरुआत जहाँ से हुई थी आज हमें वहाँ मिले, ये बड़े गौरव की बात है। तो जो निरंतर साईं बाबा की जो पालकी शोभा यात्रा चलती है उसको जहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ तक पैदल कदमों के साथ आना महिलाओं क्योंकि लंबा काफी फीड होता है और ये आस्था होती है, इसी को आस्था कहते हैं। तो चले मैं